लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस ने बीते दिनों तंत्र मंत्र को लेकर वसूल किए गए पैसे के लेन देन के चलते एक तांत्रिक को बंधन बनाकर रखने पर उक्त सूचना मिलने पर पुलिस ने बंधक बनाए तांत्रिक को छुड़ाकर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के द्वारा पत्रकारों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि फरधान थाना क्षेत्र में बीते दिनों सुशील तिवारी नामक तांत्रिक के द्वारा थाना क्षेत्र के रोशन नगर निवासी सोनू सिंह पुत्र राम सिंह को लालच देकर कि तुम्हारे घर में खजाना है जिसको निकलवाने के लिए तांत्रिक ने उससे छल पूर्वक 1,12,000 ले लिए थे, जिसके बाद इनको सच्चाई का पता होने पर तांत्रिक लिए गए रुपयों को वापस करने में आनाकानी कर रहा था, जिसके कारण अपने रुपए वापस लेने के लिए सोनू और उसके साथियों ने मिलकर तांत्रिक को बंधक बनाकर पैसे वापस करने का दबाव डाल रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर तीन टीमें गठित कर छानबीन के बाद सर्विलांस की मदद से अमीर नगर चौराहा मुहम्मदी से बंधक बनाए गए तांत्रिक को छुड़ाकर सोनू सहित उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक आर्टिका कार भी बरामद की गई। संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। वही छल पूर्वक तांत्रिक के द्वारा रुपए लिए जाने और वापस न करने के संबंध में भी तांत्रिक पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना फरदान पे हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति श्री हेतराम ने बताया कि उनके गुरु श्री सुशील तिवारी उर्फ सदानंद महाराज, जो कि मूल रूप से सीतापुर के रहने वाले हैं और उनके यहाँ पे उनका आना प्रस्तावित था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको रोक लिया गया है और उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। इस सूचना पर थाना फरदान पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और सूचना मिलने के 4 घंटे के अंदर ही हमारे द्वारा श्री सुशील तिवारी उर्फ सदानंद महाराज को ढूंढ लिया गया और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने पे उनसे पूछताछ करने में यह बात प्रकाश में आई कि श्री सदानंद तिवारी द्वारा उन व्यक्तियों से पूर्व में अलग अलग तिथियों में कुल मिलाकर लगभग 1,12,000 रुपये लिए गए हैं और उनको छल पूर्वक उनको ये विश्वास दिलाया गया कि उनके घर में खजाना दबा हुआ है और उसको निकालने में वो उनकी मदद कर सकते हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा साधारण पर अपना पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसी क्रम में उन्होंने उनको रोक लिया और अपने पैसे की मांग कर रहे थे।